हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं आपको लेकर, और यहाँ अभी ऐसा है कि आपकी बुराइयाँ ही उन्हें नज़र आ रही हैं। अभी आपकी अच्छाइयों को आपके पर्सन नहीं देख रहे हैं। अभी ऐसा है हर चीज़ के लिए वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। अगर रिश्ते में कोई परेशानी आई उसकी भी वजह उनको आप ही लग रहे हैं। आपकी तरफ से गलती हुई ऐसा उनको लगता है, और उनको लगता है अपनी लाइफ में जो वो सफ़र कर रहे हैं वो भी आप ही की वजह से है। परिवार में भी इनके साथ समस्या चल रही है, तो यहाँ पर भी इनको लगता है कि आप ही की वजह से ये सब कुछ है। काम इनका सही नहीं चल रहा है तो इसका भी दोष आप ही को दे रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको लेकर ये इंसान संतुष्ट नहीं है, और जो आपके साथ इनका रिश्ता है गाइस, इसको भी ये दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते, परिवार के सामने नहीं लाना चाहते, समाज के सामने नहीं लाना चाहते। छुपकर इन्होंने आपसे रिश्ता रखा है, और अभी भी इनका यही हाल है कि ये सबके सामने इस रिश्ते को नहीं लाना चाहते। और हो सकता है गाइस कि आपकी तरफ से ऐसा है कि आप बताते हैं, किसी को भी आपने बताया होगा, फ्रेंड्स वगैरह को, कि आपका इनके साथ ऐसा है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं। तो आप ऐसा है कि कुछ लोगों को बता भी देते हैं जो लोग आपके खास हैं, लेकिन आपके पर्सन किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहते, और इससे भी आपसे ये नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप क्यों बताते हैं दूसरों को इस रिश्ते के बारे में, और ये इनको सोसाइटी और फैमिली का बहुत ज़्यादा डर है गाइस। यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है यहाँ कास्ट इशू वगैरह है इस वजह से भी, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड है ये भी हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली नहीं मानती आपके लिए ये भी। यहाँ पर कोई ना कोई तो समस्या है जिसकी वजह से इस रिश्ते को ये सबके सामने नहीं ला रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही छुपकर इनके साथ रिश्ते में रहें, किसी को ना बताएं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप ये जो सबको बता रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, तो आप इनका नाम ख़राब करना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके बारे में किसी ने इन्हें भड़काया है, या फिर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, कुछ ऐसा इन्होंने देख लिया जो इनको पसंद नहीं है और जिससे ये चिड़े हुए हैं। अभी कुछ समय से ये इंसान आपसे चिड़े हुए हैं, ज़रूर आपके बारे में या तो किसी ने गलत कहा है या इन्होंने ही कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से ये चिड़े हुए हैं। और यहाँ हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच पैसों का कोई लेन देन हुआ है, जो बात ये नहीं चाहते कि आप किसी को बताएं, और हो सकता है ये बात आपने किसी से कही है, तो उसलिए भी ये इंसान चिड़े हुए हैं। कोई ना कोई बात है जो ये नहीं चाहते कि आप सबके सामने लाएं, लेकिन आप उस काम को कर रहे हैं, उसकी वजह से ये इंसान आप पर नाराज़ भी हैं। और हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस भी हुई रही होगी पास्ट में या अभी हाल फिलहाल में, तो आपने शायद गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह दिया है या अहंकार में कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, और वो सारी बातें आपके पर्सन को बुरी लगी हैं। तो इनको यही लगता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा बिना सोचे समझे इनसे कहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं आपकी बातों से। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, अपने बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको इनकी फिक्र नहीं है कि इनको लोग क्या कहेंगे अगर आपके रिश्ते के बारे में पता चला, या जो भी बात आपसे छुपाने के लिए इन्होंने कही थी वो आप लोगों को बता रहे हैं, तो फिर इनका नाम खराब होगा। और ये सब नहीं चाहते कि किसी को भी ये रिश्ते के बारे में पता चले, या जो भी बात आप दोनों के बीच हुई थी उस बारे में किसी को पता चले। तो यहाँ पर इनको यही लगता है कि आप इनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको परेशानी में डालना चाहते हैं, इसलिए ऐसे इंसान के साथ रिश्ते को आगे ले जाना इनके लिए तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। पास्ट में ऐसा था गाइस कि ये इंसान आपसे दूर रहना पसंद नहीं करते थे, इनको ऐसा था कि आपके साथ रहना पसंद करते थे, कभी बात नहीं हुई तो इनको भी बुरा लगता था। पहले ये ऐसे थे कि बस आपसे जुड़ कर रहना है, आपसे अलग रहने के बारे में ये कभी नहीं सोचते थे, और अब ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपसे दूर भाग भी रहे हैं ये। अभी इनके दिमाग में एक ही बात है कि आप सही इंसान नहीं हैं इनके लिए, आपकी वजह से इनका नुकसान हो सकता है, आपकी वजह से इनका नाम खराब हो सकता है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है।
आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था इस रिश्ते के बारे में, ये आपकी केयर करना चाहते थे, आपका साथ देना चाहते थे, आपकी जिम्मेदारी भी लेना चाहते थे, आपके लिए बहुत कुछ इन्होंने सोचा था करने के लिए, और ये फ्यूचर में भी आपका ही साथ देना चाहते थे, कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अब इनको क्या लगता है कि इन्होंने इतना कुछ आपके लिए सोचा, इतना कुछ करना चाहते थे आपके लिए, लेकिन आपने ही सब गड़बड़ किया है, आपकी वजह से ही ये रिश्ता ख़राब हुआ है, आपकी वजह से ही इनको दूर जाना पड़ रहा है आपसे, वरना ये आपसे कभी भी दूर नहीं होते। अभी ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है कि सारी गलती आपकी है और आपके साथ ये रिश्ता इनको नहीं रखना। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जो आप दोनों के बीच ये परेशानी आई है, इसको ये अब चाहकर भी दूर नहीं कर सकते, इस रिश्ते को ये चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते। और यहाँ पर कोई इंसान भी है गाइस जो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी कर रहा है, वो चाहता है कि ये इंसान उसके साथ रहें और ऐसा है कि उसकी ज़रूरतों को ही पूरा करें, उसी पर ध्यान दें और उसके कंट्रोल से ये बाहर ना जाएं। तो कोई इंसान है जो इनको बांध कर रख रहा है, जिसकी वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। और यहाँ पर ऐसा है कि आप में बुराइयाँ ही इनको दिख रही हैं, आपकी अच्छाइयों को भी ये इंसान नहीं देख रहा। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये गलती करके खुद गए हैं, चीटिंग इन्होंने की है, लेकिन अभी ऐसा है कि आपकी बुराइयाँ ये देख रहे हैं, आपको इस रिश्ते के ख़राब होने की वजह मान रहे हैं, अपनी गलती इस इंसान को नहीं दिख रही। तो ये यहाँ पर इनका ये हाल है कि अपनी गलती तो ये देख नहीं रहे हैं, आपको गलत साबित करने में लगे हुए हैं और इनके पास यही बहाना है कि गलती आपसे हुई है और आप ही इस रिश्ते को ख़राब किए हैं, और ये जो नहीं चाहते आप वही काम करते हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। और इनको यह लगता है कि अब इस रिश्ते पर काम करना ही बेकार है, आप जैसे इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में अगर ये सोचेंगे तो इनको हर समय यही सब झेलना पड़ेगा और इनका नाम ख़राब करने पर आप ही लगे हुए हैं। ऐसा भी आपके पर्सन आपको मतलब कह दीजिए कि यहाँ पर आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, भले इनसे गलती हुई है पास्ट में, ये चीट की है, वो गलती इनको नहीं दिख रही, आपसे अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई है कहीं पर, ये उसको लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी इनकी इच्छा ही नहीं है आपकी तरफ बढ़ने की, आपकी तरफ ध्यान देने की। क्योंकि देखिए बात यहाँ पर वही है, ये किसी के कंट्रोल में है तो अभी ये उनके हिसाब से चल रहे हैं, उन्हीं की सुन रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। और ज़्यादातर लोगों के लिए तो यहाँ पर यही है गाइस कि ये इंसान कहीं और कमिटेड हैं और यहाँ पर अभी इनको कोई और स्पेशल फील करा रहा है, जिसकी वजह से भी क्या है अभी इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए भी ये सौ बहाने ढूंढ रहे हैं कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना है। यहाँ पर ये भी बात है, कोई तो है अभी जो इनको ऐसा है कि इनका साथ दे रहा है, जो इनको ऐसा है कि बहुत प्यार देकर दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि वो इनकी बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, इनकी केयर करता है, और ऐसा है कि वो इंसान अपने कंट्रोल में इनको रख रहा है, इनसे कोई फ़ायदा उस इंसान को होगा इसलिए वो ऐसा चाह रहा है कि ये उसके कंट्रोल में रहें, तो उसका मतलब निकलता रहेगा। और यही उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और इनको लग रहा है कि आप सही नहीं हैं, जिनके भी साथ ये हैं वो इंसान ही सही है इनके लिए और उसी की तरफ अभी ध्यान देना है। तो अभी तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन का कोई एक्शन वगैरह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कोई किसी तरह से कॉन्टैक्ट करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये अभी आपसे खुद ही दूर भाग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।